ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरी जादे की तेहरान के निकट हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने पहले वैज्ञानिक मोहसिन की गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले के बाद एक विस्फोटक पदार्थ से भरी गाड़ी को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। इस हमले में कुछ और लोगों के भी मारे जाने की खबर है, जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिक के साथ उनके कुछ करीबी भी गाड़ी में सवार थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को ईरान का रॉबर्ट ओपेनहाइमर के तौर पर भी जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक पर आज तेहरान के निकट अज्ञात लोगों ने हमला किया है। हमला और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में उनका सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। तो वहीं ईरान के कई नेताओं ने इस हत्या में अमेरिका का हाथ होने का दावा किया है। ईरान में पिछले 2 सालों में परमाणु वैज्ञानिक की मौत का यह छठा मामला है।